आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। वर्चुअल रैली में बोले सीएम, चीन को एक इंच भी नहीं लेने देंगे जमीन, किया ऊर्जा का संचार। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला, 25 को करेंगे प्रदर्शन। कोरोना संक्रमितों की जारी हुई दूसरी लिस्ट, राज्य में अब तक 133 नए मरीजों की पुष्टि। उधम सिंह नगर में मिले 26 सबसे ज्यादा मरीज। केदारनाथ हाईवे पर फिर हुआ बाधित, बांसवाड़ा में सड़क पर गिरे पत्थर, राजमार्ग में फंसे सैकड़ों वाहन। नैनीताल में फरार कैदी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मारपीट और ऑनलाइन धोखाधड़ी का था मामला दर्ज, पेशी के दौरान हुआ था कैदी फरार। उत्तराखंड में मानसून ने दी अपनी दस्तक, गांव को दिए गए सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम के फोन, मददगार साबित होंगे जीपीएस सिस्टम के फोन। आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों का सारथी। तो खबरों के विस्तार से शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मानसून ने अब अपनी दस्तक दे दी है और ऐसे में आपदा के लिहाज से संवेदनशील उन गांव में जहां सामान्य फोन्स की कनेक्टिविटी नहीं रहती है, वहां पर एसडीआरएफ सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम के फोन्स दे दिए हैं, जिससे मानसून में होने वाली घटनाओं की जानकारी ग्रामीण प्रशासन को दे सके। इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून की दस्तक उत्तराखंड में हो गई है। मानसून सीजन में भारी बारिश से यहां भूस्खलन व आपदा संबंधित कई घटनाएं होती हैं। ऐसे में राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सामान्य फोन्स की कनेक्टिविटी नहीं है, लिहाजा सैटेलाइट फोन्स ग्रामीणों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। बता दें, पहले चरण में एसडीआरएफ ने उत्तराखंड के 3 जिलों को चुना है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है, जहां पर सैटेलाइट फोन्स ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जनपद में फोन्स दे दिए गए हैं, अभी 2 और जनपद में इनको दिया जाना है। एसडीआरएफ सेना नायक तृप्ति भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र जहां पर सामान्य मोबाइल काम नहीं करते हैं, पहले चरण में 3 जिलों में वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड राज्य के, जहां पर सामान्य मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में जीएसपीएस सिस्टम से हमने जो सैटेलाइट फोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन की एक ड्राइव की थी, जिसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 3 जिलों को पहले चरण में चिन्हित किया गया था, और इसमें जो वितरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पहले स्टेज में जो जनपद पिथौरागढ़ है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है और अब चमोली और उत्तरकाशी को टेकअप किया जाएगा। उत्तराखंड के कई जिले आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में भी हैं, जहां कनेक्टिविटी भी नहीं होती है। ऐसे में किसी भी तरह की घटना होने पर ये फोन्स ग्रामीणों के लिए मददगार साबित होंगे, साथ ही सूचना मिलने पर प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान भी समय रहते घटना स्थल पर पहुंच सकेंगे। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ई कलेक्ट्रेट प्रणाली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अनुसार तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग जरूरी है। ई कलेक्ट्रेट प्रणाली से लोगों को सुविधा तो होगी ही, साथ ही समय की बचत भी होगी और अनावश्यक कार्यालयों की भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रविन्द्र दत्त, कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन, जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा और सीईओ स्मार्ट सिटी रणवीर सिंह चौहान, एडीएम वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुद्धियाल, एडीएम प्रशासन अरविंद पांडे आदि उपस्थित रहे। और देहरादून के रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अस्थाई कोविड सेंटर के रूप में तब्दील करने की तैयारियां
चल रही हैं। 2000 बेड्स का ये कोविड 19 सेंटर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे बड़ा कोविड सेंटर होगा। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून में अब तक कुल 600 के लगभग केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को स्थायी कोविड सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और शुरुआत में वहाँ अभी 500 बिस्तरों की तैयारी की गई है और आवश्यकता पड़ने पर उसको 2000 बिस्तर तक जो है बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और वहाँ के लिए चिकित्सा दल तैनात करने के लिए हम लोग जो है चिकित्सकों को और चिकित्सा कर्मियों को अभी से चिन्हित कर रहे हैं। देखिए, जो वहाँ बनाने का इसमें चल रहा है वो राज्य सरकार के निर्देशों पर इसको किया जा रहा है और लगभग 1000 बेड वहाँ पर अभी तैयार किए जाएंगे। ये कोविड केयर सेंटर होगा और यहाँ पर वो लोग रखे जाएंगे जिनके पास जो है सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स हैं, बहुत कम हैं, उनको कोई एसिम्टोमेटिक लोग हैं, ऐसे लोग वहाँ पर रखे जाएंगे और उसके बाद 10 दिनों के अंदर जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वहाँ तक रख के उसके बाद उनको रिलीज किया जाएगा। अभी ऐसे हमारे पास 1000 बेड ऑलरेडी उपलब्ध हैं जो इस समय वर्किंग है कोविड केयर सेंटर में और 1000 ये और बनाए जा रहे हैं। और रुड़की जेल में बंद एक कैदी का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में कुख्यात बदमाश चीन पंडित द्वारा बनाया गया है, जिसमें शाहनवाज नाम का कैदी जेल प्रशासन पर नशे का इंजेक्शन देने के बाद पिटाई का आरोप लगाते हुए और अपने गांव दिखा रहा है। इसके अलावा एक दूसरे कैदी जेल प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में कुख्यात चीनू पंडित भी दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामी बंसल ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था, जिसमें सब कैदी ठीक थे। जेल में मोबाइल के सवाल पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि बैरिकों की तलाशी ली जा रही है, जल्दी ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कि जो ये वीडियो प्रकरण है इसमें यही जानकारी लेने गए थे कि किस समय जो बंदी है संबंधित जिसके साथ जिसको चिकित्सकीय उसके लिए ले जाया गया था उसका क्या समय था, रोस्टर रजिस्टर की जांच की गई और साथ ही साथ जो जेलर है कालापाल महोदय उनसे भी जानकारी ली गई कि किस समय डॉक्टर की विजिट हुई थी, किस प्रकार से पूरा मामला है। तो इस संबंध में लिखित आख्या के लिए उनसे कहा गया है और लिखित आख्या से सारे तथ्यों को जागरूक। और कोरोना काल में बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे देश में हाहाकार है, तो विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में कांग्रेस महासचिव भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। रैली का नेतृत्व कर रहे प्रदेश महासचिव भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि इतिहास में पहली बार बीते 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि मामले में महंगाई पर देश विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है। में कच्चा तेल बहुत ही सस्ता हुआ है हो रखा है और जबकि हिंदुस्तान जिन देशों को कच्चा पेट्रोल डीजल सप्लाई करता है वहाँ भी जो है कि सबसे सस्ता हमसे सस्ता जो है पेट्रोल डीजल बिक रहा है। हिंदुस्तान डीजल पेट्रोल के रेटों में सबसे महंगा बेचने वाला देश है, तो मुझे लगता है कि जनता का खून चूसने में विश्व गुरु हिंदुस्तान बन गया है इन पिछले 6-7 सालों में। तो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से सिर्फ वाहनों की परेशानी नहीं होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो गया, तो जो डेली यूज का सामान है, जो लोगों को सामग्री खरीदनी बाजार में, वो भी लगातार महंगी होती जा रही है। उसका मुख्य कारण यही डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ना है। लॉकडाउन के चलते इंटर व हाई स्कूल के 2 पेपर पर रोक लगा दी गई है, जिसमें आज पूरा कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं के साथ कक्ष निरीक्षकों की थर्मल जांच और अनेक उनके हाथों को सैनिटाइजर करके ही परीक्षा कक्षों में भेजा गया। राजकीय इंटर कॉलेज बुलालवाला में प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे की पढ़ाई में
गणित का प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं ने हल किया। परीक्षा की तैयारी के लिए लंबा समय मिल जाने के कारण परीक्षार्थियों को पेपर हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। गणित के प्रश्न पत्र के साथ ही हाईस्कूल के सभी पेपरों की परीक्षा संपन्न हो गई। वहीं दूसरी प्रणाली में आपको बता दें, इंटरमीडिएट संस्कृत की परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होने से पूर्व केंद्र में ड्यूटी के लिए पहुंचे सभी अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और पूरे विद्यालय को सैनिटाइजर किया गया। प्रधानाचार्य शरद शर्मा ने बताया कि हमारे केंद्र पर हाईस्कूल इंटरमीडिएट की सभी परीक्षाएं बुधवार को संपन्न हो गई हैं और शिक्षा विभाग के सभी दिशा निर्देशों का पालन परीक्षा केंद्र द्वारा किया जा रहा है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के करणपुर में मंगला देवी कन्या इंटर कॉलेज और चिल्ड्रन एकेडमी और मध्य लॉकडाउन के दौरान स्कूल की पार्किंग में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। एमडीडीए की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि वहां पर हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से स्कूल प्रबंधक को पक्षकार बनाकर जिला अधिकारी व स्कूल प्रबंधन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। देहरादून में स्कूल है करणपुर रोड पर मंगला देवी इंटर कॉलेज, जहां पर की लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व और जो हमारे पीएल याचिका करता है उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो मिलीभगत है वो स्कूल के मैनेजर की भी है, जिन्होंने की बच्चों के खेलने की जगह जहां बच्चे खेलते थे और अपने जो व्हीकल्स है वो पार करते थे तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन का फायदा उठाते थे कुछ अवैध निर्माण का काम शुरू कर दिया, जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद बच्चों की एजुकेशन और जो खेलने का एनवायरमेंट है उसमें फर्क डालता है। तो इसी को लेकर हमारी ये जनहित याचिका माननी उच्च न्यायालय में पड़ी हुई थी। और हल्द्वानी में गौला नदी में अचानक छोड़े गए पानी में खाना निकासी गेटों में खनन करने आए डंपर डूब गए। सिंचाई विभाग और वन विभाग के निगम के आपसी सामंजस्य न होने के चलते खामियाजा वाहन स्वामियों को भुगतना पड़ा। अचानक नदी में आए पानी की वजह से मजदूरों और वाहन स्वामियों को भागने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते गोला में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। गोरा पड़ाव और मोटा हल्दू गेट में जहां मजदूरों ने दौड़ लगाकर अपनी जान बचाई, तो वहीं 3 डंपर नदी में बह गए। वाहन स्वामियों का अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है कि बिना किसी अलार्म के गेट खोल दिया गया। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अलार्म बजाने के साथ ही वन विभाग को सूचना भी दी गई थी। सुबह पानी की मात्रा कम थी, गेट भी खुले थे कि तभी अचानक 8000 क्यूसेक पानी पहाड़ में बरसात होने की वजह से बढ़ गया, जिस वजह से गौरा नदी उफान पर आ गई। पूरी गाड़ी बिगड़ गई। आज रात पहाड़ों में बारिश हुई है। वन निगम को सब कुछ सूचना कर दी गई है कि किसी को भी जो है मंदिर उसमें ना जाने दें नदियों में। हमारी डीएलएम से सीधे खुद भी बात हुई है, उनका कहना है कि सभी मजदूरों को हटा दिया गया है। कोई ऐसे वाहन रहे होंगे जो कि अंदर की तरफ खड़े थे, वो थोड़ा स्थान उनका परिवर्तित हुआ होगा। किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, सबको सूचना दे दी गई है और आगाह किया गया है कि बिल्कुल जब तक नदी में पानी है घुसेंगे नहीं। अरे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। सारथी अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा। जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन?
के न्यूज पूछता है सवाल, आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल? भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त? अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवाओं और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा रेस्टोरेंट दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दूरस्थ पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाए और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड एसएस कलेर ने आज सितारगंज का दौरा कर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2022 के चुनाव में जुट जाने की अपील की। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को जो बूथ कमेटियों को बनाने में दिक्कतें आ रही हैं या फिर लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनके साथ होंगे रूबरू। मुश्किलों को सुनने के लिए, जो आगे आने वाले समय के लिए कोई दिक्कत ना हो, उन मामलों को हल करने के लिए इनके साथ अपनी टेक्निकल टीम लेके पहुंचा हुआ हूँ, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। बूथ पे जो भी संगठन बन रहा है उसकी सीधा सीधा एंट्रियाँ चल रही है और दिल्ली तक जा रही है, ताकि भी एक एक आदमी का हमें काम दिखता है शाम को, जहाँ कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी उनको हल करने के लिए हम पहुँचे। और उधर सितारगंज में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था शक्ति फॉर्म सचिव श्रीवास पाल सदस्य विजय चंद्र के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से शक्ति फॉर्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टरों की तत्काल नियुक्ति एवं एम्बुलेंस सेवा चालू करने के लिए संस्था पदाधिकारियों ने सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी के द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा। इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था शक्ति फॉर्म सह प्रभारी ने संयुक्त रूप कहा कि कई सालों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में अभी डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को अस्पताल में प्राप्त डॉक्टरों के ना होने की कारण से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में बड़े आस के साथ आता है कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में बहुत कम खर्च पर हो जाएगा, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में डॉक्टर और एम्बुलेंस का ना होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण चिंता का विषय है। रात की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फार्म है, उसमें डॉक्टर और एम्बुलेंस की तैनाती के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को, जो मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय ने प्रेषित किया गया। और नैनीताल में पेशी के लिए लाए जा रहे कैदी के रास्ते से फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। नैनीताल पुलिस के जवानों के द्वारा न्यायालय में पेश करने के बाद जिला कारागार नैनीताल के लिए ले जाया जा रहा एक बंदी पुलिस कस्टडी से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। विजय मेहता ने बताया कि अनुसार बंदी मनोत्तम त्यागी मूल रूप से यूपी के अमरोहा के ग्राम तेहरी तहसील हसनपुर का निवासी है और वर्तमान में गाजियाबाद के छिपी याला लाल कुआं में सूर्य हाइट्स में रहता था। उत्तराखंड में मारपीट और ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि के मामले में पेशी के बाद जिला कारागार ले जा रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी का दरवाजा खुलने के बाद भय फरार हो गया। देर रात पुलिस ने काबिंग कर रूसी बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया है।
पर दर्ज एफआईआर नंबर 203/20 में गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश कराने के पश्चात जिला कारागार नैनीताल में दाखिल करने के लिए लेकर आ रहे थे अपने व्यक्तिगत वाहन से। तो एरिस बैंड के पास अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर घूस करके जंगल की तरफ भाग गया था, जिसके संबंध में थाना तल्लीताल पर एफआईआर दर्ज की गई और अभियुक्त की तलाश की गई। दोस्त रात्रि लगभग से हमने 2:30 बजे के लगभग रूसी बाईपास के पास से हमने इसको गिरफ्तार किया। तो पेशी के दौरान एक कैदी फरार हो गया, आपको बता दें उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खोला देख भाई मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने हालांकि उसे दबोच लिया। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अन्नदाता पर नीलांश का दंश, अन्नदाता की जमीन पर भूमाफिया की नजर, तहजीब की नगरी भूमाफियाओं के शिकंजे में, आदि गंगा गोमती की जमीन पर भी कब्जा, जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी आखिर क्यों है मौन, के न्यूज पूछता है सवाल, आखिर कहां है एंटी भूमाफिया दल, भूमाफिया के आगे प्रशासन क्यों है पस्त, अन्नदाता मांगे अपनी जमीन। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाएं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जिन्होंने कम समय में ही जिले के अलग ही पहचान बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंबेडकर नगर के मौलाना इफ्तिकार अहमद की, जो समाज सेवा के साथ साथ कौमी एकता की मिसाल भी पेश करते हैं, जिनके अंदर समाज सेवी की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया पर। जी मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा इफ्तिकार अहमद जी कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने
राशन उपलब्ध कराया, इसके बारे में आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहेंगे कि हमारे नजदीक धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, हमारे नजदीक इंसान है, हम सबसे प्रेम करते हैं और सबका सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं जी। तो हमने देखा जो जरूरतमंद थे इनके घरों में परेशानियां आई, या जो लोग आर्थिक रूप से परेशान थे, हमने उनको अंदर से काफी इमदाद की, राशन का इंतजाम करवा दिया, गेहूं चावल का इंतजाम करवा दिया, और तेल वगैरह जो भी उनके रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, मैंने उन चीजों का लोगों तक पहुंचाया, उन चीजों को जी जी। और लोग जिसके यहाँ पहुंचाया, मैंने फोटो मैंने लेना मुनासिब ना फोटो लिया जाए, जिसके पास पहुंचा सामान फोटो सुए, और मैं अपने यहाँ स्कूल चलवाता हूँ, और उस स्कूल में हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और सारे धर्म के लोग पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल इफ्तिखार जी, मैं उसमें देखता हूँ जिस तरह से आपने बताया हूं। जी, जिस तरह से आपने बताया, चूंकि आप इफ्तिखार जी लोगों को मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, गरीब परिवार के लिए भी हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं, और बात कोरोना काल की जाए तो तमाम आपने गरीब परिवारों की मदद की है, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जो भी लोग गरीब की मदद करना चाहें उनको आगे आना चाहिए, और गरीबों की हर तरीके से मदद करनी चाहिए, ताकि गरीब का दिल दुखने ना पाए और वो परेशान ना होने पाए। बिल्कुल, अपने पड़ोसियों का ख्याल करना चाहिए, जो भी ताल्लुक में है, अपने संपर्क में है, अगर उसमें कोई परेशान हालत है, बीमार है, तो उसके दवाई का इंतजाम कराना चाहिए, और किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे की जो लोग गीबत करते हैं, ये बिल्कुल समाज से खत्म हो जाए। मेरी यही सोच है कि लोग एक दूसरे की बुराइयों को ना देखें, बल्कि उसके अंदर अच्छाइयों को ढूंढें। बिल्कुल मौलान साहब, जिस तरह से आपने बताया, अपने आप में बहुत अच्छी बात है, एक सराहनीय पहल है। ऐसे में मैं बात करूंगा उन गरीब बच्चों की, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, जिसमें आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इस संस्थान में हिंदू मुस्लिम के समुदाय के दोनों बच्चे हैं, कोई भेदभाव नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। इस सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे डिजिटल आए, बिल्कुल, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल में भी वो तरक्की करें, और हमारे यहाँ जो शिक्षकों की भर्ती होती है इंटरव्यू से होती है, जो उस काबिल रहता है उसी को रखा जाता है, भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं, सभी लोग आपस में मिलके रहते हैं और पढ़ते पढ़ाते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, जिस तरह से बताया अपने आप में बहुत अच्छी बात है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चूंकि देश एकता में रहना चाहिए, और एकता की मिसाल पेश भी कर रहा है। और इसी बीच आप के न्यूज इंडिया के माध्यम से लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जहां तक हो सके, जी जी, हर आदमी जिस लायक है, जी, जो भी जिस लायक है, वो एक दूसरे की मदद करे, जी, एक दूसरे की हेल्प करे, जी, अगर कोई बीमार है तो उसे उसके दवाइयों का इंतजाम कराना चाहिए, अगर उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े अस्पताल में जा सके या पहुंच सके, उसको जानकारी नहीं है, तो उसको वहां तक पहुंचाया जाए और खाने पीने का इंतजाम लोगों का कराया जाए। बिल्कुल इफ्तिखार जी, के न्यूज़ इंडिया से खास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंबेडकर नगर से मौलाना इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने समाज सेवी भी हैं और शिक्षा संस्थान भी चला रहे हैं, जिसमें तमाम हिंदू मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, लगातार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, नमस्कार।